जय श्री कृष्णा स्टूडेंट्स, ऑल माय 10th क्लास, आई एम दिव्य मासोबा सर, आई एम टेकिंग योर केमिस्ट्री क्लास ऑफ 10th पोर्शन, चैप्टर 1 टू 5th, द अदर केमिस्ट्री पोर्शन, आई एम टेकिंग दैट केमिस्ट्री पार्ट, स्टार्टिंग विद चैप्टर फर्स्ट, दैट इज केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन. इन दिस चैप्टर यू आर टेकिंग सम पार्ट लाइक केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग, टाइप ऑफ रिएक्शन, कोरोजन डेंसिटी. दिस इज फोर पार्ट्स इन दिस चैप्टर और हम इन सबको डिस्कस करेंगे. ये चैप्टर बेटा 4 से 5 मार्क्स का है. आपकी जून क्लास के अंदर इसको मैं डिस्कस करूंगा टॉपिक को. मैं इस वीडियो में सिंपल से इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि हमें इसमें पढ़ना क्या है. सबसे पहली चीज, हो सकता है आपके पास बुक सेट हो सकता है बुक सेट नहीं हो. देखिए, सीबीसी कोर्स आपको हर जगह मिल जाएगा. एनसीईआरटी से आप डाउनलोड कर सकते हो, नेट से एनसीईआरटी बुक भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो. आपके पास बुक का कंटेंट होना चाहिए, बाकी हम सब समझा देंगे हमको उसके ब्लू क्वेश्चंस, ब्लैक क्वेश्चंस, एग्जांपल कैसे करना है, किस तरह से आता है. टोटल ये 4 से 5 मार्क्स का चैप्टर, बहुत अच्छा चैप्टर है. आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर जो एटम्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा था, उससे थोड़ा सा इसको अपलिफ्ट करेंगे. मैं थोड़ी सी पुरानी चीज़ के पीछे ले जाऊँगा इस वीडियो के अंदर. तो देखो मैं क्या बता रहा हूँ आपको. सबसे पहला मेरा टॉपिक रहेगा भाई केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में फर्क क्या है. सबसे पहले हम उसको देखते हैं. वेट, तो मेरा टॉपिक हो गया भाई इसके अंदर केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन फर्क क्या है. तो सबसे पहली चीज, अगर मैं कोई लिखता हूं रिएक्शन ए प्लस बी इट गिव सी प्लस डी, तो ये केमिकल रिएक्शन भी कहला सकती है, केमिकल इक्वेशन भी कहला सकती है. लेकिन केमिकल इक्वेशन तब कहलाएगी जब इसका मोल, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा मोल मतलब कितना है, 1, 2, 3, 4 जो भी है, जिसके लिए वर्ड हम यूज करेंगे स्टोइकोमेट्रिक, ये वर्ड यूज करेंगे इसके अंदर, कि अगर इसका ये वाला मोल और इसका ये वाला मोल, यानी कि रिएक्टेंट का साइट और बेटा प्रोडक्ट का साइट, अगर ये दोनों बैलेंस हैं, बैलेंस इक्वेशन इज ए केमिकल इक्वेशन, ये ध्यान रखना. बाकी अगर कोई सिंपल इक्वेशन है उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है स्केलेटन. सिंपल इक्वेशन जो है उसको मैं स्केलेटन कहता हूं, जो कहलाती है अनबैलेंस्ड. लेकिन अगर हम इसको ये मान के चलते हैं उसके कितने मोल है, फॉर एग्जाम्पल आपने 9th क्लास में कुछ रिएक्शंस की होगी, जैसे कि एक रिएक्शन मैं यहाँ ले रहा हूँ आपके लिए सिंपल सी, नाइट्रोजन विल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन इट गिव एमोनिया. अब ये स्केलेटन तो हो सकती है, दिस इज कॉल्ड स्केलेटन. लेकिन ये केमिकल इक्वेशन तब होगी जब ये बैलेंस होगी. अब ये बैलेंस कब होगी, देखिए जरा इसको. यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, यहाँ 1 है. आई विल पुट ए बॉक्स हियर ताकि कोई चेंज नहीं करूं, रूल बताऊंगा इसको मैं आपको जून क्लास में. यह लगेगा यहाँ पे 2, ये हो गए, यहाँ पे हाइड्रोजन केवल 2 है, यहाँ 2, 3, 6. अगेन आई विल पुट हियर बॉक्स एंड पुट 3. नाउ इट इज स्टोइकोमेट्रिक, बैलेंस है. कितने मोल है यहाँ पे एटम के, हाइड्रोजन के, नाइट्रोजन के, वो बैलेंस है. रिएक्टेंट भी बैलेंस है, प्रोडक्ट भी बैलेंस है. नाउ इट इज नॉट ए स्केलेटन, इट इज ए केमिकल इक्वेशन. नाउ इट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन, क्योंकि इसमें केमिकल इक्वेशन जो है बैलेंस है. जो रिएक्टेंट का पार्ट है, जो प्रोडक्ट है, वो बैलेंस है, इट इज ए केमिकल इक्वेशन. लेकिन सर हमें केमिकल रिएक्शन क्यों पढ़ा रहे हैं. केमिकल रिएक्शन एक बड़ा टर्म है जिसमें उसके टाइप्स आ जाएंगे, ऑल टाइप्स जो हमें पढ़नी है जून क्लास के अंदर. कौन कौन सी टाइप है, सबसे पहले कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन के बाद इसके अंदर आती है आपकी डीकम्पोजिशन. डीकम्पोजिशन जो रिएक्शन आ रही है उसके 3 पार्ट है. अगर आप किसी को गर्म करके तोड़ रहे हो तो कहलाती है थर्मल. अगर आप सनलाइट से या किसी यूवी लाइट से तोड़ रहे हो तो कहलाती है फोटोलाइसिस. और अगर आप इलेक्ट्रिक करंट से तोड़ रहे हो तो कहलाती है इलेक्ट्रोलाइसिस. ये टर्म्स आपने 9th में देखी है, ये 2 टर्म्स तो. थर्मल आपके लिए नहीं है. इसके बाद इसके अंदर एक अच्छी टॉपिक, बहुत बढ़िया टॉपिक आता है इसका, डिस्प्लेसमेंट, जो आपके 11th 12th में बहुत काम आएगा. इसके भी 2 पार्ट है. इसके 2 पार्ट है, वो कौन सा है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट और एक है बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट. और डिस्प्लेसमेंट से जुड़ा हुआ टॉपिक आता है रेडॉक्स. रेडॉक्स 2 टॉपिक है, REDOX OX, लाल बैल नहीं बोल रहा हूं, रेडॉक्स. ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन और एक बेटा जी हो गया आपका रिडक्शन. तो ये मेन इसके पार्ट्स हैं. और जब हम थर्मल डील करेंगे तो यहां पे हम 2 डील और कर लेंगे इसको देखते हुए, एंडो और एक कर लेंगे एक्सो. भाई एंडो और एक्सो क्या, थर्मिक. एंडो एक्सो क्या हो गया, थर्मिक. कोई रिएक्शन टूटते वक्त हीट यूज कर रही है, कोई रिएक्शन टूटने के वक्त हीट छोड़ रही है, तो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक. तो जब हम टाइप पढ़ते हैं तो बेटा वो टाइप कहलाता है आपका केमिकल रिएक्शंस. कितने प्रकार की आपकी केमिकल रिएक्शंस हैं वो चीज है. तो लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, आप जब 9th पढ़ के आए हैं तो सबसे पहले अगर हम कोई केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अगर हम केमिकल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वी शुड नो व्हाट इज ए केमिकल. केमिकल क्या है, अब केमिकल क्या है, कंपाउंड है,
क्या केमिकल एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, क्या केमिकल एक एलिमेंट है, क्या केमिकल एक मॉलिक्यूल है और क्या केमिकल एक एटम है, तो हम डील करेंगे एटम से। तो मैं थोड़ा सा नाइन का हल्का सा एक पार्ट पढ़ा रहा हूँ ताकि क्या जब आप बैलेंसिंग करो या खुद कोई रिएक्शन बनाओ तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, आप इजीली बना लोगे, आपको किसी की हेल्प लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो थोड़ा सा हम बैक पे जाते हैं हल्का सा, ठीक है ना। इसको वैसे हम डील करेंगे जूम के अंदर बहुत एक्सटेंडेड रूप में, लेकिन यहाँ मैं इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ ताकि आपको पता पड़े कि आप चीज को लोगे तो आपको थोड़ा सा अपने आपको तैयार करके रखना है। हाँ सर, इन पॉइंट को लेंगे जूम लाइव क्लास के अंदर, हमें इन पर ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ एक टॉपिक जो आप पढ़ के आए, नाइन क्लास का टॉपिक लेते हैं अपन, एटम। अब एटम क्या चीज है? भाई डाल्टन साहब ने कह दिया था सबसे छोटी चीज एटम है। अगर मेरे पास हाइड्रोजन है तो ये एक एटम है। मैं एच टू लिखता हूँ, नाउ इट इज नॉट एटम, इट इज एटम, लेकिन ये बन जाएगा बेटा मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल कहलाएगा। लेकिन मैं एटम क्यों पढ़ा रहा हूँ, मैं एटम से पढ़ा रहा हूँ एटम के अंदर है क्या, क्योंकि जे जे थॉम्सन, रदरफोर्ड, जो भी साइंटिस्ट ने आपने पढ़े थे नाइन्थ के अंदर, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन प्रोटोन के बारे में बताया था, वो जो चीज थी ये आपका एटम है। थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, ये इसकी सेल्स बना रहा हूं मैं, सेल्स आपने पढ़े हैं इसके। कोई डाउट हो अपनी जूम लाइव क्लास के अंदर आप जरूर पूछेगा, सर ये वाला नाइन का पोर्शन हमें बता दीजिए, आई विल गो फॉर दिस डेफिनेटली। ये आपकी शेल के, दिस इज एल, दिस इज एम, दिस इज एन, बहुत सारी होती है, नॉट दिस मच, ओ पी क्यू आर एस चलेगी। ये आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में दो चीजें आपके पास, क्या दो चीजें आपके पास आपको पता होना चाहिए, एक मिस्टर प्रोटॉन और एक मिस्टर न्यूट्रॉन, ये दो है, और इलेक्ट्रॉन इनके चक्कर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इनके चक्कर लगा रहे हैं। पर एक रूल है, रूल आपने पढ़ रखा है शायद, 2, 8, 18, 32, ये रूल है। इस रूल के अंदर वो इलेक्ट्रॉन अरेंज किए हुए हैं। तो ये जो आपकी शेल्स है इसमें कोई ना कोई तो लास्ट आएगी, यहाँ पे 2 लगाए मैंने, यहाँ मैंने लगाया मान लीजिए 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और थोड़ी देर के मान लीजिए मैंने लास्ट इसमें लगाया इलेक्ट्रॉन, दैट इज M, N में कुछ भी नहीं है, M के अंदर एक लास्ट इलेक्ट्रॉन है। तो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें, ये आपकी जो शेल है, अब ये एक नया नाम पड़ जाएगा, ये कहलेगी वैलेंस शेल। एक्चुअली मैं आपको वैलेंसी की तरफ ले जा रहा हूँ, वैलेंसी क्या होती है वो बताना चाहता हूँ। कोई भी केमिस्ट्री में अगर हमें कोई केमिकल रिएक्शन पढ़नी है तो हमें उसकी केमिस्ट्री के अंदर, सॉरी केमिस्ट्री रिएक्शन के अंदर हमें उसकी एग्जैक्ट वैलेंसी पता होनी चाहिए। वैलेंसी क्या है, कितना है उसकी वैलेंसी है, क्या एलिमेंट किस वैलेंसी से किससे रिएक्ट करेगा, तो हम जान सकते हैं फॉर्मूला क्या बनेगा। तो ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ये उसकी वैलेंसी बताएगा। वैलेंसी इसलिए बताएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एक प्रॉपर्टी होती है कंबाइनिंग प्रॉपर्टी। तो वैलेंसी की सिंपल सी डेफिनेशन होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। किस तरह से जुड़ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ले रहा है, शेयर कर रहा है। कई तरह के बॉन्ड आपने नाइन में पढ़े, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, गेन कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उसके कुछ बॉन्ड बनेंगे, उसके अकॉर्डिंग केमिस्ट्री बनेगी। तो मैं वैलेंसी अगर आपको पता है तो देखो एक फॉर्मूला बताता हूं मैं, क्यों मैं वैलेंसी के पीछे पढ़ रहा हूं। हालांकि कितनी वैलेंसी होती है मैं जूम लाइव क्लास में एक लूंगा, टोटल मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट, पॉलीवैलेंट, लेकिन एक वैलेंसी आनी चाहिए उसके लिए बताऊं। फॉर एग्जांपल आपको किसी ने कह दिया फॉस्फरस रिएक्ट विद ऑक्सीजन, नाउ व्हाट यू विल गिव, आप क्या दोगे? अब एक्चुअली होगा क्या, आप फॉस्फरस और ऑक्सीजन को लेकर क्या दे सकते हो, थोड़ा सोचो एक बार, क्या आ सकता है आपके दिमाग में, क्या PO2 दे सकते हो आप? मे बी, सो दिख रहा है, कोई सोचेगा नहीं नहीं शायद हो सकता है PO, क्योंकि आपने CO2 CO ऐसे कंपाउंड बार बार सुने हुए हैं तो आपके दिमाग में ये चीज आएगी। लेकिन नहीं, ये दोनों ही गलत है, क्योंकि अगर मुझे पता हो फॉस्फोरस जो है उसकी अगर हम वैलेंसी मान के चले 5, वैलेंसी 5 है प्लस उसका चार्ज है, ये ध्यान रखना। अगर मैं 5 बोलता हूं तो वैलेंसी है, ये भी गलती करते हैं हम लोग, और प्लस 5 बोलता हूं तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। ये हम सब झूम के अंदर डील में जाएंगे, एग्जैक्ट चीज क्या है इसको अच्छी तरह से बारीकी से देखेंगे। तो यहां पे इसकी वैलेंसी प्लस और ओ की आपको पता होनी चाहिए -2। नाइन पे हमने फॉर्मूले बनाए हैं, बनाते हैं इसका, क्या बना P2O5। ओहो, तो ना तो PO2 आ रहा है ना PO आ रहा है, ये आ क्या रहा है? तो ये इसको बाहर निकालो भाई, पी को, ये आ रहा है P2O5। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि मुझे पता था इनकी वैलेंसी क्या है। इसका मतलब केमिस्ट्री रटने का विषय नहीं है, घोटने का विषय नहीं है, इसकी बारीकी से अगर छोटे छोटे पॉइंट देखे जाए तो हम इसको बहुत सरलता से देख सकते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस चैप्टर की जो इक्वेशंस है, केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, फिर उसके अंदर हम देखेंगे कि इसकी वैलेंसीज क्या है, कैसे केमिस्ट्री बनती है उनके बीच में, और जब बनती है तब बात आती है बैलेंस करने की, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? जी नहीं, बिल्कुल बैलेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है,
या पांच है तो फाइव और टू का अगर एलसीएम लियो तो क्या आएगा टेन। मैं सिखाऊंगा, अभी मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। तो मैंने यहाँ फाइव से मल्टीप्लाई कर दिया, फाइव टू जा, और इस पूरे को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया टू से, तो फाइव टू जा टेन, टू फाइव जा टेन। ऑक्सीजन दोनों तरफ जो है वो अगर आप ध्यान दिया तो ये भी हो गया बेटा जी टेन, ये भी हो गया टेन। फॉस्फोरस कितना है, टू टू जा फोर। तो अब मैं इसके ऊपर भी बॉक्स लगा के यहां लगा रहा हूं फोर। नाउ इट इज माई केमिकल इक्वेशन। उसके पहले स्केलेटन थी और उसके पहले मेरे पास कुछ भी नहीं थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे सबसे पहले पता होना चाहिए एलिमेंट क्या है, एटम क्या है, उसकी वैलेंसी क्या है, क्या वो किस प्रकार बाइंड करेंगे, बाइंड करेंगे तो उनकी स्केलेटन क्या बनेगी, उस स्केलेटन को मुझे बैलेंस कैसे करना है, तब मुझे एक टॉपिक मिलेगा केमिकल इक्वेशन। ठीक है, दैट्स अबाउट दिस वीडियो। जैसे इस कंटेंट को हम पूरा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके जो टाइप्स है उसका इंट्रोडक्शन दूंगा। अभी टाइप्स में क्या पढ़ना है, आप बुक्स के चैप्टर्स बुक्स खोलो, चैप्टर की फर्स्ट सेकंड पेज देखो, उसकी एक्टिविटीज देखो, किस प्रकार मैग्नीशियम को, सल्फर को या कार्बन को जला रहे हैं, क्या हो रहा है, कोई एक्टिविटी किस तरह क्या कह रही है, उसको डील करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, थैंक यू।